हेलो दोस्तों, मैं रेहान कादरी और आप देख रहे हैं रेहान के कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके बॉयफ्रेंड के बारे में आपके घर वालों को पता चल गया है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा हल मिल जाएगा जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है और आप अपने घर वालों से बच जाओगे और बदनामी से भी बच जाओगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको तीन बातें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाकी आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दें और बाकी इस वीडियो को पूरा देख के जाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सिचुएशन क्या होती है। आप सुबह से लेकर शाम तक अपने बॉयफ्रेंड से लगी रहती हो तो ये पहली आपकी गलती हो गई। देखो, फ़ोन पे लगे रहोगे तो किसी न किसी को शक ज़रूर हो जाएगा कि हाँ, इसका बॉयफ्रेंड है और ये जो लड़की है अब किसी से प्यार करने लगी है। तो ये सिचुएशन ऐसी है, किसी को पता चल जाएगा, वो तो ज़रूरी है। और चार चांद तब लग जाते हैं जब आप कहीं घूमने जाते हो तो आपके घर वाले समझ जाते हैं, इधर उधर के बाल लोग समझ जाते हैं कि हाँ, लड़की कहीं घूमने जा रही है किसी लड़के के साथ जो कि आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाएं। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हालांकि तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा जो कि आपके लिए सारे फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि बात को शांत होने दें। अब शांत कैसे होगी वो बात? अब जैसे कभी कभी क्या होता है ना, घर में कोहराम मच जाता है, आपके फैमिली मेंबर जो भी होते हैं, आपका भाई होता है, फिर आपके जो है पेरेंट्स होते हैं जो कि आपके ऊपर चीखते चिल्लाते हैं और आपसे बोलते हैं कि तू ऐसे क्या कर रही है, ऐसे कौन से गुरु खिला रही है, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं और कहना नहीं चाहिए। हालाँकि जो कुछ बातें होती हैं ना, वो सिचुएशन ऐसी होती है आपको कोई जवाब नहीं देना है, वहाँ पर आपको खामोशी से काम लेना है और शांति का एक मूड बनाना है। शांति का मूड ये नहीं है कि आप उसको बहस करना है कि ये करना है वो करना है, ये कुछ नहीं करना है। आपको शांति से सुनना है और जितना भी वो बोल रहे हैं बोलने दो, क्योंकि वो वहाँ पर उनका हक बनता है और वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके वो गार्डियंस हैं और समझाना उनका फ़र्ज़ बनता है, बहुत ज़रूरी भी है, आपको सुन लेनी चाहिए उस जगह पर। तो सेकंड पॉइंट भी मैं आपको बता दूं कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सेकंड पॉइंट यह है कि अगर आप अपनी रिलेशनशिप में जो पूरी तरह से सीरियस हैं और आपने सोच रखा है कि मैं इससे ही शादी करूंगी, इससे ही शादी करूंगी, इससे ही शादी करूंगी और यही मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि तो आप उनकी जो खूबियाँ हैं वो अपनी उंगलियों के ऊपर गिनाएं कि कितना कुटी लड़का है, कितना मस्त लड़का है, कितनी उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं और वो मुझे कितना खुश रखेगा और जो है वो बारात लेके आएगा, ऐसा करेगा, वो करेगा, मतलब सारी जितनी भी उसकी खूबियाँ हैं आपको जो है कुछ भी बनावट नहीं बोलना है। अगर सचमुच में लड़का अच्छा है तो भैया अपने घर वालों को बताएं कि हाँ, ये लड़का ऐसा है और उनको बताएं कि देखो, अगर आपने मेरी शादी कहीं और करा दी है तो मेरे ऊपर क्या गुजरेगी, हम लोग कभी क्या खुश रह पाएंगे। देखो, ये ज़माना ऐसा है जो कि लड़कियाँ भी बोल रही हैं और बोलना चाहिए। देखो, पहले ज़माने में क्या हो कर रहता कि लड़की और लड़के की शादी हो जा करती थी, लेकिन जो है ना उनकी जो बनती नहीं थी पहले, अब बड़े बड़े ऐसे बहुत सारे हैं जो कि उन लोगों की बनती नहीं है, लेकिन वो 16-17 साल की उम्र में जो है उनकी शादी हो जा करती थी और जो है चेहरा भी दिखाया करते थे, शादी ऐसी कर दिया करते थे। लेकिन अब का दौर जो है ना, एक दूसरे को परख रहे हैं, 2-4 दिन बात कर रहे हैं या फिर महीनों बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी बात हो रही है तब जाकर उनकी शादी हो रही है और मतलब 1-2 डेट भी हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो ये आपके लिए ज़रूरी है, तो ये उनकी जो खूबियाँ गिना दें और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स राज़ी हो जाएं और आपकी शादी उससे करा दें। और ये थर्ड पॉइंट आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो फ़ायदेमंद कैसा है? फ़ायदेमंद यूँ है, अगर आपके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ, तू गलत है, तूने ऐसा कराया, तूने वैसा कराया, तूने हमारी नाक कटवाई है, तूने हमारा ऐसा कर दिया, तूने हमारी बदनामी कर दी, ऐसा करा वैसा करा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको उस जगह पर बहस नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके गार्डियंस हैं और जो कि आपको जो है माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांगना उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि आप उसी घर में रहने वाली हैं, वरना आपके घर वाले कुछ भी कर सकते हैं और आप जो है ना बेशर्मों की तरह अपने घर उस घर में रहोगे और कोई भी आपकी इज्जत नहीं रहेगी। तो माफ़ी मांग लें उनसे और जो है एक खुशहाल ज़िंदगी जीना शुरू कर दें, जहां आपके पेरेंट्स आपसे बोल रहे हैं आपको अपने पेरेंट्स की बात मान लेनी चाहिए। देखो, होता क्या है ना, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, रियलिटी क्या है, अगर आप अपने घर से कहीं चले भी जाते हो,
अपने बॉयफ्रेंड की शादी कहीं पर भी चले जाते हो, देखो बदनामी तो आपकी है ही, और दूसरी बात जो है 20-25 साल जो भी आपको पाला है आपके पेरेंट्स ने वो उनकी नाक कट जाएगी, और जो है वो जो उनकी मेहनत है वो उस पर सारा पानी फिर जाएगा, क्योंकि आपको उन लोगों ने कितनी मेहनत से पाला है, कितनी मेहनत से। तो इस सिचुएशन में आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए, बाकी फ़र्ज़ अब आपका ये बनता है या फिर आपके पेरेंट्स का बनता है, उनको सोचना चाहिए कि हाँ ये दोनों प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए, और आपको भी समझाना चाहिए, क्योंकि ये आपका पूरा फ़र्ज़ बनता है समझाने का। अगर समझ में नहीं आ रही है तो लास्ट ऑप्शन यही रह जाता है कि भैया आप उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और खुशहाल ज़िंदगी अपने घर में रहना शुरू कर दें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, लाइक डिसलाइक क्या करो जिससे मुझे पता चले कि मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ, और बाकी मुझे कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है या नहीं है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं कराया, अगर आपका कोई सिचुएशन है या कुछ कहना चाहते हैं आप, तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, वहाँ पर आ सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं रेहान कदरी इस वीडियो से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।